हमारे जिस तरीके से हरियाणा में सियासी भूचाल हमें देखने को मिला था, सबसे तो पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया ये कहते हुए कि एंटी इनकंबेंसी को कम करने का बीजेपी का ये फैसला है जी। अनिल विज की नाराजगी नए सीएम के रूप में देखने को मिली कि नया सीएम अनिल विज को क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो 2014 में जब हरियाणा में पहली बार विधानसभा में बहुमत बीजेपी को मिला उस वक्त भी मनोहर लाल खट्टर से आगे विज थे प्रबल दावेदार सीएम पद के लिए, वहां भी उन्हें पीछे कर दिया गया, यहां भी उन्हें पीछे कर दिया गया। आज फिर देखने को मिलता है कि अनिल विज अपने ट्विटर प्रोफाइल से मोदी का परिवार इस वाक्य को हटा देते हैं। क्या इसका मतलब ये बना दिया जाए कि मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस परिवार और इस बीजेपी से अब अनिल विज ने अलग होने का मन बना लिया है? देखिए अक्षय, बिल्कुल। और हरियाणा चूंकि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और हर गतिविधि कहीं ना कहीं दिल्ली तक असर लेके आती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया उस समय चर्चाएं थी। आपको अगर याद होगा, ठीक से हमारे तमाम दर्शकों को याद होगा कि उस समय अनिल विज का नाम सबसे आगे था और जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी अनिल विज बड़े जो उत्साह के साथ पहुंचते हुए नजर आए थे और उस मीटिंग को बीच में छोड़कर जब वो निकले उसके बाद तमाम सारे सवाल उठने लग गए कि आखिर अनिल विज इतने खफा क्यों हैं कि बीच मीटिंग में से उठकर और अपनी प्राइवेट गाड़ी में घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपने जो परिवार के बच्चे हैं उनके साथ में वो वक्त बिताते हुए नजर आते हैं और जब नाम अनाउंस होता है नायब सैनी का उस समय सबके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई ये मानकर चल रहा था हरियाणा में खासकर कि अब जो अगला सीएम हरियाणा में मिलने वाला है मनोहर खट्टर के बाद वो अनिल विज होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से नाम निकलकर नायब सैनिक आया उसने हर किसी को न सिर्फ हैरान किया बल्कि परेशान किया कि क्या यहां से अनिल विज का जो पॉलिटिकल करियर है अब वो डाउन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इतने सीनियर होने के बाद कई कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद कई मर्तबा विधायक बनने के बाद आखिरकार अब उनके हिस्से में क्या बचने वाला है और क्या बनने वाला है उसको लेकर तमाम तरह के जो कयास है वो लगना शुरू हो गए। कई लोग ये कहने लगे कि भाई हो सकता है अनिल विज उप मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जब नाम आता है उसमें भी अनिल विज का नाम कहीं भी नहीं है, मंत्रालय भी उनको कोई नहीं दिया जाता, तो ऐसे में यही लग रहा था कि अनिल विज अब कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वहाँ से मोदी का जो परिवार के नाम से लगातार जो बीजेपी के नेता इस तरह का चीज़ों को शो कर रहे हैं कि जो बात लगातार लालू यादव ने कही थी उसके खिलाफ ऐसा पूरा मोर्चा बना था और उसके बाद से हर एक बीजेपी के जो नेता है वो मोदी का परिवार इस तरह की टैगलाइन लिखता हुआ नजर आया। लेकिन क्या कारण है कि अनिल विज ने उस टैगलाइन को ही हटा दिया, तो अब क्या माना जाए कि हरियाणा में पहले से ही बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल